तो बहुत ज्यादा साइड कवर तो नहीं कर रहा है, साइड की थ्रो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने खड़ी है टीवीएस की रेडर 125 और उसके पीछे आपको दिखा दें, देखो इधर इधर खड़ी है बजाज की न्यू लॉन्च बजाज फ्रीडम, दोनों 125 सीसी बाइक से दोस्तों। और हम आए हैं इतने घने अंधेरे में, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम अंधेरा हो चुका है, और यहाँ हम आपको दोनों दिखाने वाले हैं कि दोनों की नाइट विजिबिलिटी कैसी होने वाली है दोस्तों। अगर हम डीआरएल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो डीआरएल्स आप कुछ देख सकते हो कि रेडर का कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है, आप देख लो रेडर का कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आइए उसका भी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि उसका किस तरीके का आपको देखने को मिलता है डीआरएल। केवल अगर हम इग्निशन स्टार्ट करेंगे, बस इग्निशन स्टार्ट है उसका, इग्निशन स्टार्ट में नहीं दिखता है दोस्तों, केवल बाइक स्टार्ट होने के बाद ही दिखेगी, तो अभी आपने देखा था। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और फ्रीडम अभी अभी जस्ट कुछ ही समय पहले लॉन्च हुई है, और ये कितना मार्केट में सक्सेस होने वाली है अपने सीएनजी के पॉजिटिव वे में होते हुए देखा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको विजिबिलिटी दिखाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। डैशबोर्ड भी बार दिखा देते हैं आपको दोनों बाइक्स का, फुल्ली दोस्तों डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, देख सकते हो आप यहाँ पे फुल्ली डिजिटल कंसोल आपको देखने को मिलता है इसमें भी, और रेडर का तो आप सब लोग जानते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रीडम से, तो अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है, इसको मेन स्टैंड करते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकदम अंधेरा है, और ये रही फ्रीडम आपकी, जैसा कि आपको पता है। तो अब हम फ्रीडम को स्टार्ट करेंगे और फ्रीडम का हम रीच देखेंगे। तो सामने से दोस्तों देखो ये लो बीम पे भी सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी हाई बीम का आपको सिंबल नहीं देखने को मिल रहा है, ये देखो अभी स्टार्ट होगा, तो फिलहाल अभी लो बीम पे सेट है। और हम सामने से अगर इसका आपको लुक दिखाएं, तो ये रहा इसका कुछ सामने से लुक। तो अभी ऊपर वाला ये जो है कंपार्टमेंट, ये इसका हाई बीम है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब इसके रीच की, इसके थ्रो की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम ठीक गाड़ी के नीचे बात करते हैं, तो काफी अच्छी आपको लाइट देखने को मिल रही है, और साइड बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि ये ओवल शेप में गाड़ी हेडलाइट है, तो बहुत ज्यादा साइड कवर तो नहीं कर रहा है आप देख सकते हो, हैंडल हिला है तो उसके लिए आपको हिलाना ही पड़ेगा। और लो बीम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये रही इसकी लो बीम की रीच। अब हम लो बीम चेक करते हैं रेडर का, लेकिन इसके पहले आपको इसी में दिखा देते हैं इसकी हाई बीम। सामने दीवार है, दीवार तक ही काफी इजिली हाई बीम पे पहुंच जा रही है, आप इसको सेट कर दोगे हाई बीम पे तो ये देखो काफी इजिली पहुंच गई। ये रही फ्रीडम, और ये है टॉप मॉडल। अब चेक करते हैं दोस्तों कि क्या रेडर वहां तक पहुंच रही है, लो बीम देख लो हाई बीम देख लो, अब हम चेक करते हैं रेडर का। तो दोस्तों ये रही इसकी कुछ हेडलाइट, और इसका भी अगर हम यहाँ से दिखा दें टायर के पास से, तो सेम विजिबिलिटी है जैसे फ्रीडम की आपको देखने को मिल रही थी। और अगर हम लो बीम की रीच की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रीडम से हमें कमी समझ में आ रही है, साइड की थ्रो थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है, लेकिन हाई बीम की लो बीम की जो रीच है वो कम है। विजिबिलिटी हमें जहां तक लग रहा है दोनों की सिमिलर ही लग रही है, हल्की सी पॉइंट कुछ परसेंट से शायद ये थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो। आइए इनसे पूछते हैं, आदित्य और मनीष भी खड़े हैं, ये लोगों ने देखा था विजिबिलिटी किसकी ज्यादा ब्राइट लग रही है, फ्रीडम की इनको ज्यादा लग रही है। अब हम चेक करते हैं इसका हाई बीम, उसका हाई बीम दीवार तक काफी इजिली पहुंच गया था, अब इसका हाई बीम आप देखो दोस्तों, छोटू सा बस एक हाई बीम पहुंच रहा है। ये देखो दोस्तों, हम खुद इस बाइक के दो तीन चीजों से बहुत परेशान है, एक तो इसका हाई बीम और दूसरी इसकी इंजन नॉइस, बाकी इस बाइक में कोई कमी नहीं, लेकिन बहुत ही देख लो बहुत ही लेस इसकी रीच है, और दीवार तक प्रॉपर पहुंच भी नहीं रही है। अब हम दोनों गाड़ी को साथ में जलाएंगे और दिखाते हैं डिफरेंस। तो पहले इसका हाई, इसका लो बीम रहने दीजिए, और इसका हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखो आप, अब हम चेक करते हैं किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, तो ये रही फ्रीडम की, अब हम रेडर की लगाते हैं विजिबिलिटी, आप बताओ कमेंट करके कि किसकी ब्राइट लग रही है। और अब हम चेक करते हैं लो बीम, तो लो बीम देखो इसका कहां तक रीच कर रहा है, और रेडर का देखो, अब हम चेक करते हैं हाई बीम, रेडर का भी हाई बीम दोस्तों क्लियर ये रीच जो है इसकी, जो इसका थ्रो है फ्रीडम का, वो रेडर से बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि इजिली जो सामने वाली दीवार थी वहां तक फ्रीडम काफी इजिली अपने हाई बीम पे पहुंच जा रही है।
ये टॉप मॉडल है दोस्तों, इसमें एक और मॉडल आती है बेस, जिसमें आपको हाइलोजन लाइट देखने को मिलता है, उसका भी हमने कंपैरिजन करके रखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा देख ले। तो यहाँ पे दोस्तों कोई परफॉर्मेंस, कोई कुछ अदर चीजें स्पेक्स की बात हमने नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ हमने आपको यहाँ पे एक एक फीचर की बात दिखाई है, हेडलाइट कि किसकी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये कोई एडजस्ट होके या कुछ भी आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेटअप बाइक्स है। तो आपको यहाँ पे बता दिया रीच काफी अच्छी है फ्रीडम की इन कंपैरिजन टू रेडर। तो आपको कौन सी पसंद आई है, कौन सी अच्छी लगती है, इसमें तो भाई सीएनजी का ऑप्शन है। इसकी परफॉर्मेंस भी जल्द वीडियो लाने वाले हैं, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो। आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।